Hello guys, this is part 2 of MCQs series, yeah, question paper solution series of 2013 question paper of University of St. Jamshoro. ठीक है, हम जो थे पिछले लेक्चर में थे कि बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन जो दी गई थी उसको, अब कांस्टेंट प्रेशर और उसका मास कांस्टेंट होगा तो उस लॉ को हम क्या कहेंगे, दैट लॉ इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ. एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, और बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, ATP, जिसका करेक्ट आंसर 66. क्वेश्चन नंबर, एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी इज ATP, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 67 इज, इन अ लॉन्ग पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ऑल ऑफ दीज. अब जो इसका करेक्ट आंसर है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं तो उस इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक वेट, ना कि मॉलिक्यूलर वेट. क्वेश्चन नंबर 68 इज, न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ऑल. जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन सब में प्रेजेंट होता है. ऑल इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69 इज, द ब्लैक बोन ऑफ डीएनए, सॉरी द बेक बोन ऑफ डीएनए. अब ये क्या चीज़ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, एन बेस एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, नन. देन द करेक्ट आंसर है शुगर एंड फॉस्फेट. ठीक है, जो बेक बोन होता है डीएनए का वो क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 70 इज, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो हमने बायो में भाई पढ़ाई था, ये तो अभी तक मुझे याद है, 9th क्लास में हमें पढ़ाया गया था. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट सेल आर लाइफ, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. अब पार्ट नंबर 4 है सिंपल अर्थमेटिक. अब 0.2 को मल्टीप्लाई करें 0.02 के साथ, आंसर क्या आएगा, 0.04. जाहिर सी बात है आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0.004. ठीक है जी, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए ये कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा. ठीक है जी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर, देन क्वेश्चन नंबर 72, इफ़ वी डिवाइड 0.8 बाय 0.1 तो इसका आंसर 80 आएगा, पॉइंट पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 8. क्वेश्चन नंबर 73 इज़, 120 मल्टीप्लाई 0.3. अब इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे या इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ गए ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है जी, तो आगे इसको 3 को डिवाइड करेंगे 12 36, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है जी, तो अगर हम इसको ऐसे आपके लिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखें, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 120, अब मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा तो इसके नीचे जितने, अब देखें ये देखना है हमें ये पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 के बाद है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूँगा 10 के, 3 को ऐसे ही लिख दूँगा 3, और ये पॉइंट कितने के बाद है, 1 के, तो यहाँ पे 10 के साथ डिवाइड कर दूँगा. ठीक है जी, तो ये 10 हो जाएगा. अब ये 10 या इसका ये 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है जी, तो बाकी हमारा जो 12, अब इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3 12 आर 36, देन दिस इज़ करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर कौन सा है, दिस इज़ करेक्ट आंसर 36. अगर यहाँ पे ये 0.03 होता तो यहाँ पे ये दो नंबर आ जाते, यानी ऐसे लिख लूँ यहाँ पे मैं, अगर ये 0.03 होता तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे 3 यानी होल नंबर करने के लिए इसको डिवाइड कितने के साथ करता, पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 2 के, तो यहाँ पे मैं 100 के साथ डिवाइड कर देता. अगर ये 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट होता तो यहाँ पे मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करता. करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 74 इज, 2 + 6 × 4 × 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक रूल हम पढ़ते हैं डीमॉस, ठीक है, डीमॉस, DMAS, यानी कि पहले आप लोगों ने क्या करनी है, डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, बाद में लास्ट में क्या करनी है, सबट्रैक्शन करनी है. तो आपने यहाँ पे देखना है डिवीजन है नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है. जी हाँ जी, ये मल्टीप्लिकेशन है सारे, इनकी करके लास्ट में ऐड कर देना है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ये वाला 14. ठीक है, अब ये कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं, इफ़ ए इज़ 5 एंड बी इज़ 7 देन ए माइनस बी प्लस 2 लेस देन 5 माइनस, सॉरी, लेस देन बी माइनस 1,
क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, देन दिस इज़ ट्रू। ठीक है जी, फॉल्स नहीं, फॉल्स नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल ईजी है, 3 मल्टीप्लाई लिख ले या 3 इंटू रेडिकल 9। अब 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 9 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 77 ब्रैकेट 7 माइनस 9 ब्रैकेट ओवर होल पावर 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, या आपको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, ए माइनस बी का फार्मूला, आप इनका होल पावर करना, ठीक है, 2 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब ए क्या है हमारा, 7 ए है और ये बी है, तो आपको ये फार्मूला जहन नहीं कर लेना है कि अब ये क्या आएगा, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी मीन्स 7 माइनस मल्टीप्लाई 9 और ये द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है जी, अब ये देखें थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 78 ए पावर 0। अब ए पावर 0 यानी कि 0 पावर किसी का भी हो, y का हो, z का हो, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो तो 1 के इक्वल आएगा, देन दिस इज करेक्ट आंसर। अब आगे दूसरा देखिए, ए 1 माइनस 1, अब ये भी 0 आ जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी, ये भी सही है, ए को डिवाइड करें ए के साथ तब भी ये 1 आता है, देन करेक्ट आंसर इज ऑल। ठीक है जी, अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, अब ये मैंने ऊपर डिमास रूल लिखा, अगर डिमास से पहले ब्रैकेट है तो वर्ड मास रूल कहते हैं, यानी कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, बाद में डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपने यहाँ से पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब यह है कि इनको आपने प्लस कर देना है, 0.0 ठीक है 6 आ जाएगा। अब 0.6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 2.4 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 80 इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ आपने याद कर लेनी, ये एक फार्मूला है, मैट्रिक क्लास में भी अवेलेबल है, ठीक है, या एट्थ क्लास में भी आपको शायद मिल जाए। तो इसकी कंडीशन जो होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट ओवर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी, इसके इक्वल आता है ये फार्मूला, ये आपने किताब में जाके देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 इज एफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट सी कामा डी कामा बी कामा एच एंड बी इज इक्वल एम पी एफ एंड एच देन ए यू बी। ठीक है, यानी कि अब इनके यूनियन करनी है हमें, तो यूनियन का मतलब इन सबको एक साथ लिख लेना है। ठीक है, इनमें से एक साथ लिखना है तो ये क्या चीज़ आ जाएगा, सी डी बी एच एम पी, ठीक है, एफ और एच। ठीक है, देखें यहाँ पे कोई है, सी डी बी यहाँ तक तो सही है, एच भी है, एम एच, ठीक है, एम पी नहीं है यहाँ, ठीक है, ये मिसिंग, तो इसमें क्या चीज़ का है, एम मिसिंग है, इसमें और फैक्टर मिसिंग है, ठीक है, एफ भी मिसिंग है, ठीक है जी, और सी सी तो है, ठीक है, पी भी मिसिंग है, तो ये नहीं हो सकता है, इसका आंसर क्या आएगा, नन आएगा। अगर होता तो ये हम एक मरतबा लिखते, ये सारे होते इसमें एलिमेंट, तो हमारा वो आंसर होता। अब ए यूनैन, ठीक है, ये कंडीशन है, ये मैट्रिक के बुक में अवेलेबल है, 82 क्वेश्चन है, ए यूनैन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, देन करेक्ट आंसर ए यूनैन बी इंटरसेक्शन ए यूनैन सी, या ये गलत है, आप लोगों ने ये चीज़ आप देख लेनी है, ये कंडीशन, ठीक है ना, याद कर लेनी है। अगर ये यूनियन है तो आप अब ए यूनियन बी करेंगे, उसके बाद हमने ये कंडीशन लग देनी है कि अब ये इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, भाई इसको ऐसे इसके साथ यूनियन करें, बाद में इसके साथ यूनियन करें, जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आंसर वही आएगा, देन करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 देन ए डिफरेंस ए, तो जाहिर सी बात है अगर उसका डिफरेंस ले लेंगे तो उसका क्या बचेगा, नल सेट ही बचेगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है वो एलिमेंट जो एक दूसरे में मौजूद ना हो, तो अब इनका डिफरेंस लेंगे ए का तो ये है, और डिफरेंस लेंगे ए के साथ तो जाहिर सी बात है उसका क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 84 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14, दिस इज़ करेक्ट आंसर। 31.4 इज़ नॉट करेक्ट आंसर, 90 इज़ नॉट करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट आंसर। कॉस 0, क्वेश्चन नंबर 85, कॉस 0 इज इक्वल टू वाट,
का 0 0 के बराबर होता है, 1 के इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है या नल आता है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कास 0 किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। और साइन 0 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब कास पाए, कास पाए का मतलब है ये पाए की वैल्यू क्या आती है, पाए, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल की सूरत में पाए की वैल्यू क्या आती है, 180। अगर पाए लिखा हो ना तो 180 डिग्री। अब कास 180 किस चीज़ के इक्वल आएगी, कास पाए, तो 180 मीन्स 180 हमेशा इक्वल आता है -1 के। देन द करेक्ट आंसर इज दिस ए। ओके जी, क्वेश्चन 87 इज सेक 0। अब सेक 0 किस चीज़ के इक्वल आएगा, ठीक है, ये 1 के इक्वल आएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने जहन नशीन कर लेंगी, ठीक है जी। ओके, देन क्वेश्चन 88 इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 0.3, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि इसका आंसर आना क्या है, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे बॉडी मास रूल इसको इसके साथ, ठीक है, डिवाइड कर लें बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें बाद में इसको डिवाइड कर लें, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो क्या आंसर आता है, ठीक है। दैट आंसर इज, चलिए जी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके बता देता हूँ। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 0.3, जीरो पॉइंट नाइन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब ये है क्वेश्चन 89, 2a³ - a³, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं बनती, ठीक है, यहाँ माइनस है। अगर यहाँ पे हाँ मल्टीप्लिकेशन होती ना तो फिर ये -6 आ जाता, ये माइनस नहीं आएगा, देन नन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 90 इज -3 + 12, ये किस चीज़ के इक्वल आ सकता है, -9 नो, -15 नो, +15 नो, देन 81। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस चीज़ के इक्वल आ सकता है, 81 के इक्वल आ सकता है, ठीक है जी। कैसे 81 के इक्वल आ सकता है, ये 3 माइनस कर लेंगे तो ये किस चीज़ के इक्वल आएगा, देखें अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये किसके इक्वल आएगा, 9 के। अब इसका अगर रूट निकालें तो, यानी इसको सॉल्व करें तो ये भी किस चीज़ के इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर, -9 का करेक्ट आंसर नहीं है। अब जो है क्वेश्चन पार्ट 5 है, सिंपल IQ। अब F44 इज 4, F66 इज 6, 99 इज 9, देन 57 या 57 इज इक्वल टू व्हाट। अब आपने देखा है कि यहाँ पे ये किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, ये IQ के क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को आ जाएंगे। देन 5 आएगा, नो, 6 इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 5.7 भी नहीं आना, 7 भी नहीं आना, ठीक है जी। अब देखिए इसका क्या है, F101 या 101 इज इक्वल टू 20, 352 है 75, 333 है 63, देन 828 इज इक्वल टू व्हाट, देन द करेक्ट आंसर इज 162, नॉट 82, नॉट 88, नॉट 84। अब कह रहे हैं टू कार्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर 6 किलोमीटर, बोथ टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, आफ्टर 2 किलोमीटर दे स्टॉप, वाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दो कार्स हैं 6 किलोमीटर्स, ठीक है, ऐसे चल रही है, ठीक है जी, ऐसे आगे गई, इधर मैं बना देता हूँ, ऐसे जा रही है, एक इधर जा रही है, दूसरी जो है इधर जा रही है, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो इतने 6 किलोमीटर जाने के बाद जो है टर्न करती हैं, वो वापस आती हैं, फिर वो कहाँ आती हैं, ऐसे वापस आती हैं, ये 2 किलोमीटर आती है और ये भी 2 किलोमीटर आती है। इन्होंने कितना किलोमीटर किया था, 6, और ये भी 6, ठीक है जी। तो इनके बीच अब जो है उन्होंने डिस्टेंस जो है इनके बीच में ये कितना है, ये क्या आएगा, 4 किलोमीटर, यानी 6 में से आप 2 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। F8 इज इक्वल टू 1, 3, 1, 2, 3, इंक इज 4, 5, 6, डॉग इज 7, 8, 9, देन एक्शन इज व्हाट। अब आप लोगों ने ABC को नंबर दे देने, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A है, ठीक है, B है। अब देखें
ये CAT, ठीक है। C को इन्होंने क्या नंबर दिया है, 1, ठीक है। C का नंबर क्या है, आपने ये चीज़ देख लेनी है, C का नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। C इज़ 1, ठीक है। A इज़ 2, इस तरीके से ABC सारी को आपने नंबर दे देने हैं। तो वहाँ से आपने देखना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है एक्शन का। A का यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 2, ठीक है। C का क्या आ जाएगा, 1, 2, 1, ठीक है। T का क्या है हमारे पास, 3, ठीक है। 2, 1, 3, देखें यहाँ 2, 1, 3, और क्या है, I का क्या है, 4, ये देखें 4। यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। N का क्या आएगा नंबर, वो आप लोगों ने देख लेना, डॉग ये भी दिखा हुआ है, ठीक है। O का नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये दी गई है। सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है या वहाँ पे कंसंट्रेट करना है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। F3 इज़ 6, 6 इज़ 30। अब ये क्या करना है, इसके जो छोटा नंबर है जैसे ये है, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना। 3 से छोटा कौन सा है, 2। अब 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या नंबर आ जाएगा, 6। अब 5 से छोटा क्या है, सॉरी 6 से छोटा क्या है, 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 30। इस तरीके से इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो 20। 7 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 42, ठीक है जी। इफ़ प्राइस ऑफ 1.5 kg एप्पल इज 60, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 200 ग्राम एप्पल्स बी। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन 97 इज, अब ये देखें इसका फेस इस डायरेक्शन है, इसका फेस अपोजिट डायरेक्शन, इनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, इनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने इसका क्या देखना है, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कौन सा होगा, देन दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 98, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये देखें इनमें से डिफरेंट कौन सी, ये देखें इनके भी एंगल्स हैं, ठीक, इनके भी ये एंगल है, ये एंगल है, इसकी कोई एंगल नहीं, ये स्फेरिकल है, दिस इज़ द डिफरेंट फ्रॉम अदर फिगर्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसका क्या आ रहा है, देखें इसका ये ऊपर वाला हट जा रहा है, जो बीच में है वो चीज़ बाहर आ रही है, इसका भी जो ऊपर वाली शेप है वो ख़त्म हो रही है, और जो ये नीचे वाली है वो ज़ाहिर हो रही है। तो इसी तरीके से इसकी ये ऊपर वाली शेप जो है ख़त्म हो रही है, तो ये अंदर जो शेप है वो निकल रही है, तो इसकी ये ऊपर वाली शेप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बाकी क्या बच जाएगी, ये वाली शेप बचेगी, एक देख लें, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देख लें, 1, 2, 3, 4, तो ये वाली शेप है, ठीक है जी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज़ द 100, अब इनमें से देखना है आपको कौन सा डिफरेंट है, पीकॉक, पिगन, पैरट एंड पी हैन, व्हिच वन ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। अब देखिए ये सारे जो हैं मेल्स हैं, पीकॉक इज मेल, पिगन इज मेल, पैरट इज मेल, पी हैन इज ओनली फीमेल, दैट्स पी हैन इज द डिफरेंट, ठीक है, पी हैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, या ये जो है इनके साथ मैच नहीं करती, ठीक है जी। दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ 2013 क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ संजाम छो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इसमें से। अगर आप समझते हैं कि आप लोगों को ये फ़ायदेमंद लेक्चर रहा, आपके लिए फ़ायदेमंद लेक्चर रहा है, तो काइंडली ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी जो है इस चीज़ से फ़ायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, ओके, थैंक यू जी।